महानगर की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महापौर सीताराम जायसवाल और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम में आने वाली सभी वार्डों मोहल्लों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से कूड़ा निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धन आवंटन के बाद 60 मैजिक वाहन, 2 मिनी चयन एक्सेलेटर, 1 स्वीपिंग मशीन तथा 1 कॉम्पैक्टर क्रय करके बुधवार को टाउन हॉल मैदान में विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर ने कहा कि नए वाहनों के आ जाने से महानगर के सभी वार्डों में नए पुराने मिलाकर प्रत्येक वार्ड में 2-2 मैजिक वाहन दिया जाएगा, जिससे पतली गलियों से भी ये वाहन जाकर गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डब्बों में इकट्ठा करेंगे। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, अशोक सिंह, पार्षद देवेंद्र कुमार गौड़, पिंटू, आरिफ सिद्दीकी, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ओम नारायणले चले कौशुभम नासाइंद्र बृह सर्वा सस्ते न जजायुः सतमेन्द्र शरद पंक्ति देवा जनाय वाहन का ध्यान करिए, शुभ जी स्वच्छ बनाए। हरि ओम महाखड़ाचरस्य ओम भूर्भुव श्री श्री वाहन दूताभ्या नम, श्री लक्ष्मी नम, श्री हनुमंते नम, श्री सामदा शिवाय नम, भारत स्वच्छ मिशन के तहत नगर निगम गोरखपुर ने सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, रैंकिंग अच्छा लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 60 छोटी गाड़ियों कूड़ा उठाने वाली, 2 फोकलेक्ट मशीन और 1 कूड़ा क्रैश मशीन यहाँ पर मंगाई है कि हम शहरवासियों को कूड़े से मुक्त कराने में इस व्यवस्था से सफलता प्राप्त करेंगे। हम चाहते हैं कि कहीं पर भी कूड़ा दिखाई नहीं पड़े। हम प्रत्येक वार्ड 70 वार्डों में 2-2 छोटी गाड़ियां देने जा रहे हैं जनता को, जहां पर कि सफाई के बाद कूड़ा को तुरंत उठा लिया जाएगा, कहीं भी शहर में कूड़ा नहीं दिखाई पड़े। साथ साथ ये भी व्यवस्था हम कुछ वार्डों में शुरू किए हैं कि हमारी गाड़ी जाएगी, इसमें हरे और नीले रंग के डब्बे रहेंगे, एक में सूखा कचरा, दूसरे में गीला कचरा हम लोग डालेंगे और उसको अधिकांश वार्डों में हम लोग सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहां कि इस छोटी गाड़ियों की मदद से हम लोग वहां गीले और सूखे कचरे को पहुंचाएंगे और गीले कचरे को वहीं जैविक खाद के रूप में परिवर्तन करने का काम में ये गाड़ियां हम लोगों को बहुत बड़ी सहायता करेगी। हमारी मोदी जी की सोच है पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि देश और मोहल्ला और गांव, हमारा नगर स्वच्छ रहेगा
तो बहुत कुछ हम बीमारियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जी, नगर निगम गोरखपुर माध्यम से 60 गाड़ी हम लोग, खासतौर पर आधुनिक गाड़ी है जो कूड़ा कलेक्शन के लिए हम लोग रवाना किए हैं। इसी हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ 70 वार्ड है, हर वार्ड में दो दो गाड़ी उपलब्ध मिलेगा। उसके अलावा जो पर्याप्त संख्या में ठेला भी उपलब्ध करा रहे हैं, पर्याप्त संख्या में जो कूड़ादान है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग रात्रि सफाई भी चालू कर दिए, हम लोग 24 घंटे के सफाई का एक अभियान चालू करवा रहे हैं। हम लोग का मनसा यही है, गोरखपुर एक साफ सुथरी सिटी के रूप से 2019 में आपके सामने नजर आएगा, उसके एक पहल है। आज 60 गाड़ी का हम लोग रवाना करा रहे हैं जनसेवा।